और हेड की प्लास्टिक सर्जरी हुई है, वो कल हो गई थी, आज उसकी पहली ड्रेसिंग भी हो गई है, डॉक्टर राकेश जो हैं उन्होंने की है, और बाकी स्थिति अभी नियंत्रण में है। सर, आपके एक छोटे भाई की तरह, इसके अलावा आप उनकी माँ से भी लगातार मिलते रहे हैं? वो तो अभी आज थोड़ा सा उन्होंने मुझे बताया कि अचानक से फ्लिप हुआ। एक क्या होता है जब हम हाईवे पे चल रहे होते हैं, कभी कभी सुबह सुबह के टाइम ऐसा फ्लिप हो जाता है अचानक से कि, लेकिन क्या है जब आप स्पीड में हैं 100-110 पर हैं तो हाईवे पे वो उतने ही सेकंड के हजारवें हिस्से में घटना घट जाती है। तो अब गड्ढा भी बताया? नहीं, गड्ढा वगैरह कुछ नहीं था। अब क्या है ना, क्लियर कट तो आँख लगी है या कुछ सामने आया या अच्छा सीसीटीवी फुटेज में भी नहीं पता लग पा रहा। और वो भी अभी क्या है, देखिए इतने खतरनाक एक्सीडेंट से जब आप उभरते हैं तो अचानक आपको ये सब चीज़ें भी रिकलेक्ट नहीं हो पाती कि ऐसा क्या अचानक से मेरे साथ हुआ था। तो कोई नहीं, एक दो दिन में स्थिति पता लग जाएगी, लेकिन फिर ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है, मेरा मानना है कि वो ठीक हैं और हमारे बीच में हैं, यही हमारे लिए खुशी की बात है। अगले कितने दिनों तक रहने की, एक दो दिनों तक? अभी शाम को निर्णय होगा, मैं शाम को आऊँगा दोबारा एक बार, तो डॉक्टर्स के पैनल्स के साथ डिस्कशन होगा, बीसीसीआई के डॉक्टर्स के साथ भी डिस्कशन होगा, फिर तय करेंगे। फैमिली में उनकी जो बहन है साक्षी, वो लंदन से सुबह लैंड कर गई थी 1:40 पर और सुबह ही वो सीधा यहाँ आ गई, और जो हमारे आईपीएल के खिलाड़ी हैं नितेश राणा, वो भी पहुँच गए हैं सुबह ही, तो सभी लोग हैं। बाकी वो कल सुबह बहुत घबराई हुई थी, जब मुझे उन्होंने सुबह फ़ोन किया 6:30 बजे तो वो बहुत ज़्यादा मतलब घबराई हुई थी, और स्वाभाविक है उस गाड़ी को देखने के बाद। मुझे लगता है क्योंकि वो पिक्चर्स देखने के बाद मुझे भी एक बार को तो आई वॉज शॉक्ड कि मतलब उस गाड़ी को देखने के बाद कोई ये कह नहीं सकता कि इस गाड़ी में कोई बचा होगा। लेकिन जब मैं अस्पताल पहुंचा और वहां पर जो प्राथमिक उपचार शुरू हुआ उसे देखने के बाद हम लोग ये संतुष्ट हो गए थे कि कोई ऐसी इंजरी नहीं है जो क्योर ना हो सके। क्योंकि देखिए इस तरीके की दुर्घटना में जब सर पर कोई चोट लगती है, जब ब्रेन में कोई डैमेज होता है, वो बड़ा खतरनाक होता है, वो क्योर कर पाना संभव नहीं होता। लेकिन सुबह पहली बार डॉक्टर नागर के साथ जब मेरी बात हुई और उन्होंने मुझे दिखाया और सब हुआ, तो और एम्बुलेंस में भी जब वहाँ से हमने इनको भेजा तो मेरी तब एक मिनट की बात हुई तो मैं समझ गया था कि वो बिल्कुल, क्योंकि उसने देखते ही मुझे पहचान लिया, भैया आप आ गए, मैंने कहा मैं आ गया, बोले ठीक है। तो क्योंकि अगर कोई ऐसा उस समय चोट लगी होती तो वो मुझे पहचानते नहीं, तो मैं समझ गया था कि सब ठीक है और ईश्वर जल्दी सब ठीक करेगा। क्या बताया उन्होंने? सेगमेंट की जो जल्दी रिकवरी हो वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में ज़्यादा जल्दी हो सकती है। देखिए लंदन में इसकी रिकवरी, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर पहले भी नी की इंजरी से इंजर्ड हुए हैं, सुरेश रैना भी इंजर्ड हुए हैं और भी काफ़ी लोग इंजर्ड हुए हैं, उन लोगों की जो है नी की सर्जरी ज़्यादातर बाहर ही हुई है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि फाइनली इस पर कॉल जो है वो बीसीसीआई के डॉक्टर्स ही लेंगे। कोई प्लास्टिक सर्जरी सर उनकी? तो आज आप मुलाकात भी हुई है, कल से ही आप साथ हैं, क्या अभी तक की तबीयत की वो है? देखिए तबीयत कल में और अब में जमीन आसमान का फर्क है, बहुत सुधार है। कल जो लग रहा था कि स्थिति बहुत गंभीर है वो अब नहीं लग रहा। अब ये है कि अब कितने दिन के और होने में लगेंगे उसको तो मैं स्पष्ट नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि जो बाहरी चोटें हैं, चाहे वो फोरहेड पर हो, चाहे वो हाथ पर हो, चाहे वो बैक पर हो, ये 10-15 दिन में जो हैं अपनी सुधार की स्थिति में आ जाएंगे। लिगामेंट्स की जो चोट है उसके संबंध में बीसीसीआई और मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स आपस में संपर्क में हैं, सारी रिपोर्ट्स उनके साथ शेयर कर दी गई हैं। श्याम शर्मा जी अभी बीसीसीआई की तरफ से आए थे और वो मिलकर गए हैं और सभी डॉक्टर्स के साथ संवाद चल रहा है, और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी बीसीसीआई के साथ संपर्क में है, हम लोग भी बीसीसीआई के साथ संपर्क में हैं। तो ये निर्णय, आखिरी निर्णय तो बीसीसीआई लेगी कि उनको करना क्या। क्या परिजन चाहते हैं कि यहीं पे हो जाए उनका इलाज? देखिए अभी जो निर्णय है वो यही है कि फिलहाल जो ऊपरी चोटें हैं, ताकि एक बार वो पेन से थोड़ा बाहर आ जाएं, तो उसके लिए ऐसा मानना है कि उनको यहीं रखा जाए। और जो लिगामेंट के संबंध में अगर बीसीसीआई ये निर्णय लेगा कि उनको शिफ्ट करना है दिल्ली मुंबई कहीं भी, तो फिर वो उसके बाद विचार किया जाएगा। फिलहाल आज कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि हमें आज उन्हें एयरलिफ्ट कराना है या कल कराना है। एक बात ये